आज सुबह मैं एक वीडियो पे काम कर रहा था तो मेरे दोस्त का मेरे को मैसेज आया, ठीक है। उसने मेरे को द ग्रेट खली की रील भेजी एंड वो रील देख के मेरे दिमाग में बस एक ही चीज आई कि भाई ये बहुत ब्रिलियंट मूव है, दिस इज जेन्युइनली अ रियली ब्रिलियंट मूव। अब तुम सोच रहे होगे कि इस रील में इतना खास क्या है। देखो ये जो रील है ये एक लेसन है, इट्स अ लेसन के ट्रोल्स को, हेट को, इंटरनेट अटेंशन को कैसे हैंडल किया जाए, उसको कैसे मोनेटाइज किया जाए, उसे कैसे पैसे कमाया जाए। ऑल्सो ये ब्रांड्स के लिए भी लेसन है कि अपने प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा रीच कैसे दिलवाए, बिकॉज ये जो रील है इसकी रीच काफी मस्त है, ठीक है। लेकिन इसको सबने अपनी स्टोरीज में शेयर किया, लेकिन मेरे को बहुत लोगों की स्टोरीज भी है देखी रील नंबर्स वाइज भी। बाकी रील पे लाइक जो रीसेंट रील्स है उस पे 500K, 400K, 600K, 1 मिलियन, 1.1, 1 मिलियन, ठीक है, ऐसे नंबर्स है, ठीक है। इस पे है 4.1 मिलियन और अभी 24 आवर्स नहीं हुए आई थिंक, ठीक है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब 24 आवर्स नहीं हुए। सो दिस रीच इज प्रिटी एपिक, पर इस रील में इतना खास क्या है ये जानने के लिए कि ये रील इतनी अच्छी क्यों है हमको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट चाहिए कि आजकल खली के अकाउंट पे क्या चल रहा है और कैसे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हमको टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, कुछ वीक्स पहले जाना पड़ेगा। देखो अगर तुमने कभी खली का अकाउंट नहीं फॉलो किया इंस्टाग्राम पे तो इट्स प्रिटी हार्ड टू एक्सप्लेन, खली का जो सबको पता ही है, पर जो इसका इंस्टाग्राम अकाउंट है ये समझाना थोड़ा डिफिकल्ट है, ये थोड़ा पिक्यूलियर है, ये थोड़ा स्ट्रेंज है, थोड़ा आई वुड से अब्सर्ड भी कह सकते हैं, इसको समझाना काफी डिफिकल्ट है। भाई तो उस दिन बता रहा था कि देखो खली का अकाउंट बहुत अच्छा लगता है, क्या पोस्ट करता है वो जो देखो इतना अच्छा लगता है, खली क्या पोस्ट करता है, राइट, अपनी पिक्चर्स, हाँ अपनी पिक्चर्स पोस्ट करता है वो, वर्कआउट की वीडियोस, वर्कआउट की रील्स, हाँ इज अ रेस्लर, इमेजेस हाँ इमेजेस पोस्ट करता है वो अपनी, जस्ट लाइक अ नॉर्मल इन्फ्लुएंसर, हाँ अपनी सेल्फी, बट इट्स अ वीडियो, बट इट्स अ सेल्फी, एक वीडियो में कुछ है नहीं, और ऑल्सो हाँ रील्स लाइक लिप सिंक रील्स, बट म्यूजिक अलग चल रहा होता है, लाइक आउट ऑफ स्निंक होता है या आउट ऑफ स्निंक लिप सिंक होता है या डिफरेंट ही ऑडियो होता है, हाँ ये सब भी पोस्ट करता है वो, बहुत बहुत डाइवर्सिटी से पोस्ट करता है वो भाई, बहुत डाइवर्सिटी है, देखो बहुत चीज़ें मिल जाएगी, खुद देख ले भाई। आओ तुमको एक पोस्ट दिखाता हूँ क्योंकि उसके बिना मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। दैट वाज द पोस्ट, ठीक है, लाइक इसको कैसे समझाए, कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं इसको, लाइक इसको कैसे एक्सप्लेन करूँ भाई, लाइक सिर्फ ये नहीं और भी काफ़ी पोस्ट है, लाइक एक्चुअल वेट ट्रेनिंग के बारे में पोस्ट है, एक्चुअल पिक्चर्स है, लाइक खली का अकाउंट पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज है, लेकिन हर तरीके का पोस्ट है यहाँ पे, शिट पोस्ट से लेके थोड़ी आई वुड से नॉर्मल पोस्ट है, ठीक है, पूरी एक वीडियो ही लग जाएगी समझाने में कि इनका अकाउंट क्या है, रियली एन एपिक अकाउंट। ये अकाउंट तो काफी साल से ऐसे ही चल रहा है, ठीक है, लाइक काफी कुछ है इसमें एक्सप्लोर करने के लिए, मैं कहूँगा एक बार खुद करके आए एक्सप्लोर, बहुत मजा आएगा ट्रस्ट मी। बट रिसेंटली इनके कमेंट सेक्शन को एक बीमारी ने लेक कर दिया, एक वायरस ने कंटेमिनेट कर दिया इनके कमेंट सेक्शन को, और वो है ट्रोलर्स लाइक फनी पीपल, ठीक है, लाइक फनी पीपल वो फनी कमेंट्स कर रहे हैं, ट्रोल कमेंट्स कर रहे हैं, कुछ एक्चुअली फनी है, ठीक है, आई वोंट डिनाई दैट, बट काफी सारे काफी मीन कमेंट्स है, काफी हर्टफुल कमेंट्स है, जो लोग नए नए इंटरनेट पे आते हैं, जो अभी डिस्कवर कर रहे हैं इंटरनेट कल्चर को, उनको ये अच्छा लगता है, उनकी स्टेज चल रही है ये वाली, ये लाइक वो वाले लोग हैं जो कि सोचते हैं कि टैंक मतलब कुछ भी बोल दो ऑफेंड नहीं होना, कोई नहीं दे विल थोड़ा सा ग्रो अप, ठीक है, कि इनको पता चल जाएगा कि हर जगह ऐसे नहीं करते, कोई नहीं इट विल टेक टाइम, ठीक है। बट इनके कमेंट सेक्शन में बहुत कचरा फैल चुका था और इनको अपने फैमिली वाले पोस्ट जो ये फैमिली के साथ फोटोज डाल रहे थे उस पे कमेंट सेक्शन डिसेबल भी करना पड़ा। स्टोरी के इस पॉइंट तक काफी यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाया इनके ऊपर हंसते हुए, इन कमेंट्स के ऊपर रिएक्ट करते हुए, सो या इट वॉज अ थिंग फॉर अ वाइल। अब नॉर्मल पर्सन क्या करेगा जब उसके पास ऐसे हेटफुल कमेंट्स आएंगे, ऐसे लाइक ट्रोलर्स की आर्मी, लाइक इतने ज्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, एक नॉर्मल इंसान क्या करेगा, प्रोबेबली उनको ब्लॉक कर देगा या डीएक्टिवेट करके चला जाएगा, बट नहीं, खली भाई ऐसे नहीं है, लाइक ही इज ग्रेट खली फॉर अ रीजन, उन्होंने इसको मिल्क किया
और इस पे कैपिटलाइज किया इतना एपिक। उन्होंने वीडियो डाली 5 जून को, जो कि काफी काफी स्टोरीज में गई थी, लाइक बहुत शेयर हुई थी ये वीडियो। हेलो सर, पानी में से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग कर दो, मैं पहलवान हूँ, मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ मैं। भाई लेट्स गो, जिसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन, ठीक है। यहाँ पे कैश करो ऐप ने स्पॉन्सर किया था, एंड आई थॉट दिस इज प्रिटी एपिक, ठीक है, दिस इज प्रिटी एपिक। पर आज दोबारा उन्होंने ये रील पोस्ट की, सर ब्रुआ करके ब्रह्मांड हिला दो। स्पॉन्सरशिप बॉट ऐप नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स, बेस्ट भाई, बेस्ट बेस्ट। आई ऑनेस्टली थिंक दिस इज अ ग्रेट वे टू फकिंग डील विद हेट। या तो तुम हेट को ब्लॉक कर सकते हो, डीएक्टिवेट करके भाग सकते हो, या तो तुम उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, विच ही डिड। लाइक दिस इज प्रिटी एपिक भाई, लेट्स गो भाई। ये लाइफ की बाकी चीजों में भी काफी अप्लाई होता है। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे भी होती है जिनसे भागना नहीं, उनको फेस ऑफ करके उसको कैपिटलाइज करना, उसको मिल्क करना वुड बी अ बेटर चॉइस। हर प्रॉब्लम से भागना नहीं, यू गॉट अ फाइंड अ वे, दो तुमको रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा। कुछ प्रॉब्लम्स को तुम हेड ऑन फेस कर सकते हो और उससे कैपिटलाइज कर सकते हो, तुम्हें बस वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है और उसको यूज करनी है। हर प्रॉब्लम नहीं होगी, आई अंडरस्टैंड, ठीक है। सो या कीप एन आई ओपन फॉर अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज यू नेवर नो वो किस फॉर्म में आ जाए। मे बी थाउजेंड ऑफ पीपल आर ट्रोलिंग यू एंड यू ट्रोल देम बाय मोनेटाइजिंग देम, दैट्स प्रीटी एपिक लाइक इफ यू आस्क मी, है ना। तो चलता हूँ मैं, एक नई वीडियो पे काम कर रहा हूँ, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल की वीडियो है वो, आई होप तुमको अच्छी लगे। मिलता हूँ अगले हफ्ते, बाय।